हैंडसम हीरोज दो दो, एक आकाश जी एक जय जी, दोनों बहुत हैंडसम है, दोनों बहुत फिट हैं। आई एम सो हैप्पी। आज हम लोग बात कर रहे हैं सुंदरी के सेट से, कि मूवी का नाम है सुंदरी, इसलिए सब लोग यहाँ पे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जय के साथ मैंने एक पिक्चर पहले भी अभी हाल ही में की है, और उस पिक्चर का नाम था जय थावे वाली माँ, वो कंप्लीट की हम दोनों ने। 7 तारीख को रिलीज भी, 7 तारीख को, हाँ रिलीज भी हो रही है नवरात्रि पे। हाँ बोलिए, महानवरात्रि पे हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है थावे वाली माँ बिफोर यू वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पे शाम को 6:30। हाँ शाम को 6:30 बजे आप लोग देखा ना भूले, जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो। अब हम आ जाते हैं सुंदरी के ऊपर, जिस पिक्चर के हम लोग सेट पे हैं और जो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपने एक शब्द जो बोला सुंदरी, मैंने उसका बखान कर दिया है। तो पहली बात तो आपकी खूबसूरत जोड़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप और जय जी एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो पहले हम आप दोनों की जोड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। ये जो जोड़ी रिपीट हो रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना आप फ्री रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, प्यार मोहब्बत जो ऑन स्क्रीन होता है, और ऑन स्क्रीन है, टेंशन ना लीजिए आप। देखिए, अगर ये सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मेरा कहना ये है, जय के साथ जब मैंने पहली पिक्चर की थी थावे वाली माँ, उसमें मतलब मुझे, हम उससे पहले भी कई बार मिले हैं फंक्शंस में, मैचेस में, काफ़ी सारी जगह पे, हाय हेलो हाय जय जी कैसे हैं, बढ़िया है, शुभ जी कैसी हैं, बढ़िया है, बस इतना मुझे पता था कि बहुत अच्छे इंसान हैं, डेट्स इट। बट जब इनके साथ मैंने काम किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इनका नेचर जितना खूबसूरत है, जितना अच्छा इनका नेचर है, उतनी ही अच्छी इनकी एक्टिंग है, और इनका कोऑपरेशन है, और ये को स्टार बहुत ही हेल्पिंग है। इवन मेरे लिए नहीं, जो भी वहाँ पे नए भी एक्टर आते थे, कुछ लोग और भी थे, सबके लिए इनका जो कोऑपरेशन देखती थी मैं, सबको कोऑपरेट जो करते थे, मैं बोलती थी यार सीखो, थोड़ा और सीखो। वैसे तो मैं अच्छी हुई, बट मुझे जय जी के साथ में काम करके, जय यादव जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब पता ही नहीं चला कब मूवी शुरू हुई कब ख़त्म हुई, और बहुत अच्छे से शूटिंग हुई। नो डाउट हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी की कई लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत लोगों ने तारीफ़ की है। अब आप जय जी से पूछ सकते हो मेरे बारे में। जी शुभी जी के बारे में इंडस्ट्री में ये कहावत है कि हमारे इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत सीधी साधी है, मतलब सब लोग अच्छे हैं, बट एक होता ना कि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सीधे साधे, सेट पे कोई नखड़ा नहीं, कोई ये नहीं, भोली भाली मासूम। हाँ, तो वो तो मुझे पहले से ही पता था, बट सेट पे जाने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी और हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बोला, थैंक यू सो मच। सेम टू सेम वो खुद वैसी हैं, इसलिए उनको मैं वैसा लगता हूँ। और इनका भी कोऑपरेशन या इनका भी टीम के प्रति, प्रोड्यूसर के प्रति, सब कुछ ध्यान रख के ये काम करती हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि इनको, इनकी वजह से किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो और यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हमारी उस फिल्म से जोड़ी अच्छी लगी, तो हमको यहाँ रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म देखने के बाद तुरंत रिपीट हो रहे हैं हम लोग। हाँ। देखिए, जलन की बात नहीं है, जो जैसा है वो वैसा है, कोई भी एक्ट्रेस यहाँ पे गलत नहीं है, सारी एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं। देखिए एक एक्ट्रेस और आ रही है हमारे बीच में, अभी नहीं आएंगी, अच्छा ठीक है। तो सारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं, हर किसी में कुछ न कुछ खूबियाँ हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे साथ तो सबका कोऑपरेशन रहा, नो डाउट, और सबके साथ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी के साथ एक ही फिल्म किया, सबके साथ दो तीन तीन पिक्चर फिल्में हो रही हैं, लाइनअप है बहुत सारी पिक्चरें, और जिनके साथ काम कर चुके उनके उनके साथ भी, और जो नए हैं उनके साथ भी। तो जय जी का ऐसा नहीं कि एक ही हीरोइन के साथ में बैक टू बैक पिक्चरें कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी हीरोइनों के साथ में, कभी अमरपाली जी, काजल जी, कभी मैं, रानी जी, कभी, तो सबके साथ में काम करते हैं वो। तो ये हीरो नो डाउट ये सबके लिए बोल सकती हूँ ना, जो भी जितनी भी हीरोइनें हैं उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आर्टिस्ट नहीं है कि किसी एक ही हीरोइन के साथ कंटिन्यू काम करे, ये चेंज कर करके सबके साथ में काम करे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ बस, ठीक है। तो डायरेक्टर
जिस हिसाब से मुझे जिस करेक्टर में फिट समझते हैं, जिस एक्ट्रेस के साथ में फिट समझते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। वो मेरा चूज नहीं होता कि मुझे शुभि जी चाहिए या रानी जी चाहिए या अमरपाली जी चाहिए, काजल चाहिए या यामिनी जी चाहिए मुझे, वो मेरा ये नहीं होता। जय जी, थैंक गॉड, काश ऐसे ही सब हमारे जितने भी हीरो हैं, वैसे सब लोग ऐसे हैं, बट और ऐसे प्लीज़ बन जाएं जैसे जय जी हैं, जो सबके साथ में काम करते हैं। और जो कुछ धारणा है अभी, क्योंकि जो हमारे एक्टर हैं उनकी ये है धारणा, नई नई हीरोइनों को लेके आओ, कुछ नया लेके आओ। भाई जो उनके साथ में काम कर रहे हैं हम लोग पहले से, वो भी सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ये धारणाएँ हटानी चाहिए, ये चीज़ गलत है। नए के साथ, हम लोग के साथ, बाकियों के साथ, जो और भी लोग हैं, सबके साथ काम करना चाहिए, जो कहानी की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। राइट, ये सही बात है एकदम। अब बात करें, सुमी जी एक नए जो लॉन्च हो रहे हैं आकाश जी। हाँ जी, आकाश यादव जी, आकाश जी बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत स्वीट है। जब मुझे ये चला था पता कि उनकी पहली पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं ये था माइंड में, पहली पिक्चर है तो देखते हैं कितनी अच्छी मतलब कितना अच्छा एक्ट वो कर पाएंगे या क्या है क्या नहीं है। बट जब मैं उनसे पहली बार जब मिली थी, देखिए ये भी एक अचानक एक वही चीज़ है कि खावे वाली माँ के सेट पे वो आए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक बात की, उन्होंने सिस्टर है बहुत ही अच्छी पूनम जी, दोनों भाई बहन आए थे और दोनों बहुत कन्फ्यूज थे कि हम लोग को कितने साल हो गए थे आप लोगों को मूवी, दो तीन साल से ट्रैक कर रहे थे वो लोग कि हम लोग पिक्चर बनाना है, और उसी टाइम उसी सेट के ऊपर, जबकि मैं इनके साथ फाइनल भी नहीं थी कि मैं पिक्चर कर रही हूँ या कौन करेगा क्या था, बट तभी मैंने इनको बोला था आप इस सेट पे आ गए ना, अब आपकी मूवी बन जाएगी। और फाइनली वैसा ही हुआ कि आकाश जी के साथ में हम तीनों लोग जब हम दोनों से आकाश जी वहाँ पे मिले थे, और हम तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस यामिनी जी भी काम कर रही हैं, तो हम चारों की जोड़ी इस पिक्चर में आप लोगों के सामने आएगी। तो ये चीज़ जहाँ मैं आकाश के लिए बात कर रही थी, आकाश पहली बार काम कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और हमको कहीं ऐसा नहीं हो रहा फील कि रीटेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नथिंग। वो बहुत अच्छे से अपनी एक्टिंग कर रहा है, इवन डांस आकाश का बहुत अच्छा है, वो फुल फॉर्म में एकदम झूम के ये अच्छा, ठुमका लगाया, वो ठुमका लगाया। एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं टेक हो रहा है तो मैं प्लीज आप, ये भी डांस बहुत अच्छा करता है, आप उनकी तारीफ करते हैं, जाइए। नहीं, तारीफ वाली बात नहीं, जो है ना एक्चुअली में सच्ची में, और ये इतनी कॉमेडियन है, हमको नहीं था पता, पहले आए थे सेट पे एकदम चुपचाप सीरियस, मुझे लगा बड़ा सीरियस टाइप का हीरो है ये तो, बट उसके बाद जो इनके एक दो दिन बाद जो इनके शेड खुलने शुरू हुए, ये कॉमेडी बहुत बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। और जो ये मतलब सेट पे तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सेट के ऑफ मतलब ऑफ सेट भी ये हम लोग को इतना हंसाते हैं, फुल ऑन फन, और उस टाइम भी हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और जो इनकी एक बहुत ख़ास बात है वो ये है कि इनका अपना जिम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बॉडी फिट हाइट, तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेहनत किया, बहुत मेहनती इंसान है। एक्टिंग के साथ साथ खुद के ऊपर भी काम करना, और साथ में अपने को स्टारों को भी कॉपरेट करना, वर्कआउट कराना मॉर्निंग में उठा के, चलो चलो उठो उठो जिम जाना है, नहीं 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 आपको ये नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज होती है, तो हमारा डाइट से लेके एक्टिंग तक का जो हम लोगों का डेली का जर्नी होता है बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आगे बनेंगे, और मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके साथ में, और बहुत सारी विशेज़ हैं नो डाउट, वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेंगे। और इस पिक्चर में मुझे कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि आप पहली बार काम कर रहे हो, सबसे अच्छी बात यामिनी जी और मेरे लिए ये है कि तो हमारे ये आकाश जी हीरो हैं, पहली बार जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डांस अच्छा है, तो ये हम लोग को टेंशन नहीं है कि यार वापस। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इस पिक्चर से यामिनी जी और मैं भी पहली बार दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और हम बहुत टाइम से, हाँ पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत टाइम से कहीं ना कहीं माइंड में हम लोग जब भी मिलते थे तो बहुत अच्छे से मतलब मिलना बहनों की तरह एकदम, कैसी हो क्या हाल चाल है, बट कभी भी हम लोग काम साथ में नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था, कभी उनके पास डेट नहीं है, कभी मेरे पास में डेट नहीं है, बट ये पिक्चर सुंदरी ऐसी है ना जो दोनों सुंदर सुंदर हीरोइनों को खोज के सुंदरी पिक्चर में लेके आ गई, और अब हम दोनों काम कर रहे हैं, बहुत बहुत फन होने वाला है, बहुत इंजॉय है, और बहुत अच्छे से काम होगा, क्योंकि जब टीम अच्छी होती है ना तो नो डाउट काम बहुत अच्छा होता है। और अब आप पूछेंगे कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है महेश उपाध्याय जी, जिनकी मैं ऑल टाइम फेवरेट हूँ।
महेश जी प्लीज आइए ना, ज्वाइन कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए ना, आइए ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट के लिए आ जाइए, एक मिनट के लिए आ जाइए, एक मिनट के लिए आ जाइए। अब जब बुलाया तो भाई, हाँ देखिए ये है महेश जी, जिनकी मैं ऑल टाइम फेवरेट हूँ। अब यस बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल दिया है, तो बोलिए बोलिए। यस यस यस, हाँ हाँ, सभी फेवरेट है वैसे। मैं वैसे तो अब आपका क्या बोलूँ, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत मेरे लिए ये है कि हमें दो मुझे सुंदरी की तलाश थी, दोनों सुंदरी मुझे मिल गए। सुंदरी और फिल्म अब क्या बोले, अब बनने के बाद ही पता चलेगा कैसा है या नहीं। बाकी आकाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुभी जी, तो मुझे डर इस था कि एक इन तीन एक्टरों के बीच में, सीनियर एक्टरों के बीच में बेचारा नया लड़का कहीं फंस ना जाए, पर उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और दोनों अभी यामिनी जी तो आज ही ज्वाइन किए, पर सुभी जी ने बहुत अच्छे से आकाश को संभाला है और बहुत अच्छा सीन निकल। मैं कल देख रहा था एक सीन, तीनों कंबाइन थे, जय जी, सुभी जी और वो, थोड़ा ट्रायंगल है वहाँ पे, पर उसका जो इनोसेंट डायलॉग था ना, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एकदम नेचुरल, नो कोई एक्टिंग, नो ओवर एक्टिंग, नथिंग, एकदम नेचुरल, वो मजा है। और आप दोनों ज्यादा नहीं, अब मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, और राम भाई अब अपनी मिनट में उठाइए, मेरा शूटिंग नहीं होगा तो। अच्छा मैं जा रही हूँ, आकाश तो यहाँ पे रह सकता है। प्रवीण जी पीछे के डायरेक्टर हैं, प्रवीण जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी मैं पहली बार, मतलब इस टीम में कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि आई एम सो लकी कि मैं उन लोगों के साथ में काम कर रही हूँ जो मेरे चहेते हैं, उनमें से कुछ तो, जिसकी यामिनी हुई और अब आकाश भी हो गया, क्योंकि आकाश को मैं उतना पहले से नहीं जानती थी। और प्रवीण जी जो है वो यहाँ पर आने के बाद मेरे चहेते बन चुके हैं अभी, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, डायरेक्टर है और बहुत अच्छे से टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। और माही जी कैमरामैन है, माही जी का कोई जोड़ नहीं है, वो हीरोइनों को इतना खूबसूरत दिखाते हैं, हर फ्रेम उनका बहुत अच्छा होता है, और नो डाउट उनकी जितनी तारीफ करो उनका भी कम है। और मास्टर जी सुदामा जी, तो मास्टर जी हम लोग को बुला रहे हैं बार बार में, तो मैं अभी जा रही हूँ। अब मैं चाहूँगी आकाश आपको बोले, मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है। और अब मैं आकाश चाहूँगी, क्योंकि देखो हमारा शॉट लग रहा है और तुम हो, और अब तुम और पूरा संभालने का बंदा एकदम बिंदास है वो। और मैं चाहूंगी उनके साथ प्लीज, उनकी बहन पूनम प्लीज आ पाइए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मैं आती हूँ। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, जो है आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा रोल मिल रहा है, देखिए मेरी पहली फिल्म है, और मैं अगर फिल्म में मेरा पहला दिन था, तो मेरा गाने का शूट था, तो मैं जब मैं आया तो मैं बहुत थोड़ा होता है ना कि क्या कैसे क्या होगा, लेकिन